जानना चाहती है संजय सिंह का एनकाउंटर। कोर्ट के अंदर हुआ बड़ा खुलासा, दिल्ली की सड़कों पर मचा बवाल। दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह की एक तरफ कोर्ट में पेशी हुई तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संजय सिंह ने भरे कोर्ट रूम में जो बयान दिया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। संजय सिंह ने डायरेक्ट जज साहब के सामने कहा है कि ईडी उनका एनकाउंटर करना चाहती है, इसलिए रात 10:30 बजे उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश की गई। दोस्तों, एक तरफ संजय सिंह का ये बयान निकलकर सामने आया तो वहीं दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए जाने लगे। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो क्या बवाल हुआ है, ये बताने से पहले आपको बता दें कि संजय सिंह का ये कहना है कि ईडी रात को 10:30 बजे मुझे बाहर ले जा रही थी, मेरा एनकाउंटर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। दोस्तों, ये बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि संजय सिंह ने ये बयान कहीं और नहीं बल्कि भरे कोर्ट रूम में दिया है। जब संजय सिंह ने ये बयान दिया तब जज साहब भी वकील का मुंह ताकने लगे। संजय सिंह का ये दावा है कि ईडी उनका एनकाउंटर करना चाहती है, इसलिए उन्हें रात 10:30 बजे बाहर निकलने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि कल संजय सिंह की पेशी थी। संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया है और जब कल पेशी हुई तो इस रिमांड को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं दोस्तों, जब संजय सिंह के रिमांड को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया तो संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी उनका एनकाउंटर करना चाहती है, इसलिए इस रिमांड को लगातार बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ संजय सिंह ने यह बयान दिया उसके बाद जज साहब से लेकर वकील तक सकते में आ गए, लेकिन जब कोर्ट से संजय सिंह पेशी के बाद बाहर निकले तो उन्होंने मोदी सरकार को भी बड़ी चुनौती दे डाली। संजय सिंह ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने, क्या मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। हाँ। मैं उनकी यात्रा पर पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या मिला? जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ। तो दोस्तों, सुना आपने, कोर्ट से बाहर आते ही संजय सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार उनके साथ बच्चों का खेल कर रही है। मोदी सरकार के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो करोड़ों का घोटाला करते हैं और ईमानदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं मोदी जी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। दोस्तों, संजय सिंह ने कैसे मोदी सरकार को डायरेक्ट चुनौती दी है वो आप साफ देख सकते हैं। वही दोस्तों, जब से संजय सिंह का ये बयान सामने निकल कर आया है उसके बाद से लगातार आप कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर बैठकर आप इस वीडियो में देखिए। मोदी सरकार हाय हाय, संजय सिंह को रिहा करो के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता गाड़ियों के नीचे लेटे जा रहे हैं। वही पुलिस कैसे कार्यकर्ताओं को घसीट घसीट कर उठा उठा कर लेकर जा रही है वो भी आप साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता होते और इस तरह से प्रदर्शन करते तो क्या दिल्ली पुलिस भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करती। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है तो वहीं दूसरी ही तरफ कोई डरता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, कार्यकर्ताओं को घसीट घसीट कर उठाया जा रहा है, लोगों के सिर तक फूट गए,
लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी हार नहीं मान रही। बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि संजय सिंह को जेल में डालने के लिए मोदी सरकार आखिर किस हद तक जा सकती है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।